तरीके में तुम आदाई खान साहब घर गए, लेकिन जाते जाते सबको घरों में भेज दिया। इस दौरान बहुत से लोगों के चेहरों से नकाब भी उतरे, जिन्होंने पैसा लेके जमीन बेचे। मेरा सवाल यह है कि जिन लोगों ने अपनी वफादारियाँ बदली, अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा और उनमें से कौन पछताएंगे? तो अकीर साहब, मैं चंद सदियाँ आपको पीछे ले चलते हैं ना। ये जो मीर जाफर थे, मीर सादिक थे, क्या बना? कौम बेच गए, आज तक भुगत रही हैं उसमें। टीपू सुल्तान का सौदा किया दूसरे बदबख्त ने, नवाब सराजुद्दौला का सौदा किया। उनकी सब कमजोरियां अपनी जगह पे, लेकिन ये जिसे हम कहते हैं ना लोटे लफाफे जमीर फरोशी, ये हमारे यहाँ नई नहीं है। ये याद रखें, हमारी तारीख के बहुत से बाब इस तरह की कहानियों से भरे पड़े हैं। ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस। ये एक पिकअप है, आप देख रहे होंगे पिकअप के पीछे, हालांकि पिकअप नॉर्मली ड्राइवर या मालिक भी हो तो वो ज़रा कमज़ोर आदमी होता है, लेकिन बात बड़ी ताकतवर की है। पिकअप के पीछे लिखा हुआ है, एक गलत निज़ाम में दुरुस्त हाकम का होना बेमानी सी बात है। इस पे हम सबको गौर करना चाहिए।